नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु वर्मा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन। सितंबर अक्रॉस द वर्ल्ड वैस्कुलर अवेयरनेस मंथ के तरीके से मनाया जाता है। अवेयरनेस मंथ का पर्पस क्या है? सो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई बार तो हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती, उसको रूटीन डे का पार्ट समझते हैं। जैसे कि शाम को घर में माँ बहन पाँव दबवाती हैं, पाँव सूज जाता है और वो किसी एक दूसरे के पैर दबाते हैं। और ट्रेडिशनली हमने हमेशा से देखा है कि चलो ठीक है, आज दिन भर ज़्यादा देर खड़े रहे हैं, पाँव दबा लेते हैं। इज इट नॉर्मल और इज इट पार्ट ऑफ सम डिजीज? वेरिकोज वे, पाँव में लीक ब्लड वेसल जब लीक होती हैं तो ज़्यादा देर खड़े रहने पे पाँव में सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है। दिस इज वन पार्ट ऑफ हैविंग अवेयरनेस, पता होना कि ये प्रॉब्लम है। वहाँ से हम एक आगे बढ़ेंगे तो उसके ट्रीटमेंट की तरफ देखा जा सकता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ में पाँव में घाव नहीं भरता, ये एक बहुत ही कॉमन नोन नो फैक्ट है, सबको पता होता है कि डायबिटीज़ है, घाव नहीं भरेगा। लेकिन क्यों नहीं भरता, कौन से घाव नहीं भरते हैं, क्या इस चीज़ के लिए कुछ किया जा सकता है? अगेन अवेयरनेस। सो डायबिटीज़ में ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा लोगों में ब्लॉकेजेस होते हैं और कई बार क्योंकि दिख नहीं रहा होता या किसी कारण से पाँव में जब कट लगता है, छोटा सा घाव हो गया, अब ब्लड फ्लो क्योंकि सफिशियंट नहीं है इसलिए वहाँ पे जो घाव था उसकी ड्रेसिंग करते रहे घाव नहीं भरा, घाव बढ़ता गया। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर टाइमली जा करके हम उसको ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करवाते हैं या फिर इवन बेटर प्रिवेंट कर सकते हैं तो वी कैन अवॉइड मेजर एम्पुटेशन इन डायबिटीज। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं बहुत जो एज अ वैस्कुलर सर्जन यू नो कम्स एज अ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज अवेयरनेस फॉर द वैस्कुलर सर्जरी। So this September, let's come. We'll keep on connected with different small reels, videos, or post जहाँ पे अलग-अलग vascular disease के बारे में content दूँगा, बताऊँगा. Purpose डराना नहीं है. किसी भी बीमारी के बारे में जानना उस बीमारी को उसे बचने या उसके treatment का पहला step होती है. तो best of luck and keep healthy, stay hydrated, keep drinking water, keep your blood vessels healthy, and see you again. Bye.